भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला सेंट किट्स के वार्नर मैदान पर खेला गया। वेस्ट इंडीज ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की। उसने भारत को 165 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 19 ओवर में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं सूर्य कुमार ने मैच विनिंग पारी भी खेली। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने तीसरे T20 में वेस्ट इंडीज़ को 7 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज़ ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 164 रन बनाए। काइल मेयर्स ने सबसे ज़्यादा 73 रन की पारी खेली। जवाब में भारत ने सूर्य कुमार ने 76 रनों की बदौलत 19 ओवर में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 से बढ़त भी बना ली। फिर कप्तान रोहित शर्मा रिटायर्ड हट हुए। जब ऐसा हुआ तब वो 5 गेंदों पर 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऋषभ पंत ने 26 गेंदों पर 33 रन और दीपक हुड्डा ने 10 रनों की नाबाद पारी खेली। सीरीज के आखिरी 2 मैच 6 और 7 अगस्त को फ्लोरिडा के लॉडर हिल में खेले जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि भारत का T20 में चेस करते हुए जुलाई 2019 के बाद पिछले 21 मैचों में 19वीं जीत है। इस दौरान टीम इंडिया सिर्फ 2 मैच हारी है। यह वार्नर स्टेडियम में सबसे बड़ा रन चेज है। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ ने इस मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ 2017 में 147 रन चेस किए थे। वहीं जीत के साथ ही भारत ने पाकिस्तान के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी भी की। भारत ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 15वां T20 मुकाबला जीता। वहीं पाकिस्तान की टीम ने भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 21 T20 मैच में 15 मैच जीते हैं। मैं आपको बता दें कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज़ की शुरुआत अच्छी रही। ब्रेंडन किंग और काइल मेयर्स ने पहले विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी की। किंग को हार्दिक पांड्या ने क्लीन बोल्ड किया। उन्होंने 20 गेंदों पर 20 रनों की पारी भी खेली। इसके बाद मेयर्स ने कप्तान निकोलस पूरन के साथ 50 रनों की साझेदारी निभाई। पूरन 22 रन बनाकर चलते बने। मेयर्स ने अर्धशतक लगाया और 50 गेंदों में 73 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 8 चौके और 4 गगनचुम्बी छक्के भी जड़े। वहीं रोमन पावल ने 14 गेंदों पर 23 रन बनाए और शिमरन हेटमैन ने 12 गेंदों पर 20 रनों की अहम पारी खेली। वहीं डॉन थॉमस और जेसन होल्डर 1-1 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह वेस्टइंडीज की टीम 164 रन बना सकी। वहीं भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज़्यादा 2 विकेट लिए। वहीं हार्दिक पांड्या और अर्षदीप सिंह को 1-1 विकेट मिला। वहीं आपको बता दें कि 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को तब झटका लगा जब कप्तान रोहित शर्मा रिटायर्ड हट हो गए। तब वो 5 गेंदों पर 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित तब तत्काल 1 चौका और 1 छक्का लगा चुके थे। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और सुरेश अय्यर ने दूसरे विकेट के लिए 86 रनों की साझेदारी निभाई। सुरेश अय्यर 27 गेंदों पर 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं सूर्य कुमार यादव 44 गेंदों में 8 चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 76 रन बनाकर चलते बने। उन्हें डोमिनिक डेक्स ने अल्जीरा जोसफ के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद ऋषभ पंत ने हार्दिक पांडे के साथ मिलकर 14 रनों की साझेदारी निभाई। हार्दिक 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर पंत ने दीपक हुड्डा के साथ मिलकर 19 ओवर में टीम इंडिया को जीत दिला दी। पंत 26 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 33 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं हुड्डा 10 रन बनाकर नाबाद रहे। वेस्ट इंडीज की ओर से डेक्स होल्डर और अकील हुसैन को 1-1 विकेट मिला।